वास्तव में ही और वास्तव में ही आपका यह सौभाग्य है कि यह प्रयोग आप संपन्न कर रहे हैं। क्योंकि यह प्रयोग जीवन की समस्त प्रकार की बाधाओं को जीवन भर के लिए समाप्त करके अनुकूलता प्रदान कर और साधनाओं में भी सफलता के लिए पूर्णतः सहायक होता है। मैंने सोचा कि एक दो चीज़ अपने पास पड़ी रहेगी, फिर कभी उपयोग कर लेंगे, मगर या तो आपका सम्मोहन कुछ न कुछ हुआ जरूर है, मगर फिर भी मुझे खुशी है कि यह यंत्र आपके घर में होगा, ये प्रयोग आपके घर में होगा, पाप ग्रह समन होंगे, शुभ ग्रह आपके जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करेंगे और एक उच्च कोटि के प्रयोग से आप लाभान्वित हो रहे हैं। ये यंत्र जीवन भर आपके लिए उपयोगी रह सकेगा, उसी प्रयोग को मैं आपको संपन्न करवा रहा हूँ। और वास्तव में एक अद्वितीय और अमूल्य संपदा जो कि जीवन भर कष्ट बाधा पीड़ा अभाव बीमारी टीबी कैंसर अस्पताल में भर्ती होना वृद्धावस्था दुख दारिद्र चिंता तनाव इन सब से मुक्ति पाने का एकमात्र विधान यही है जो कि नवग्रह शांति प्रयोग है। और निश्चय ही यह व्यथा सारे जप तप मंत्र साधनाएं व्यर्थ हो जाती हैं यदि बराबर पीड़ित रहते हैं, क्योंकि ग्रह तो रावण को भी कुबुद्धि पैदा कर देता है, वंश का निर्मूल नाश कर लेता है। शनि उसके घर में अगर जिसमें महाभारत हुआ उसमें आप देखें कि शनि का प्रकोप सबसे ज्यादा था, रावण को शनि की साठ शक्ति आई तो उसके वंश का निर्मूल नाश हो गया। तो ये क्रूर ग्रह और अन्य ग्रह तो पूरे जीवन को खोखला सत्यानाश कर देते हैं, इनको केवल विश्वामित्र ने बांध करके ही रखा था और उसने एक अद्भुत और अनिवर्चनीय साधना प्रयोग उसके ऊपर रखा था जो आज भी नेपाल में राजभवन में उस नवग्रह शांति का एक अद्भुत और अलौकिक प्रयोग लिखा हुआ था, जो भी उन महाराजा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे आग्रह पर जब मैंने शिवरात्रि की थी 91 में और जब मैं उन्होंने मुझे आग्रह करके राजभवन में बुलाया था तो मैंने कहा था कि संसार में केवल आपके पास वह एक गोपनीय प्रयोग और मंत्र है। उनका गुरुजी यही बोले, गुरुजी शब्द बोला, गुरुजी मैं ताड़पत्र और मैं पूर्वजों निधि में आपको नहीं देता हूँ, मैं फिर भी आप चाहें तो वह देख लें नोट कर लें। और मैंने देखा कि वह अपने आप में मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत अधिक अद्भुत और आश्चर्यजनक रहा। खैर यह तो निश्चित रूप से ग्रह बाधाएं जीवन को सर्वस्व समाप्त कर देती है, जैसे लकड़ी और घुन लग जाए दीमक लग जाए तो पूरी लकड़ी को ऊपर से ऊपर से रहते अंदर से खोखला कर लेती है। हाथ जोड़ दीजिए सबसे पहले, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चल गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु तत्रादो यंत्रम धारियेत। बाएं हाथ में यंत्र को ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में। जल स्नानम समर्पयामि नमः। ओम वरुणस्यौ तम भनवसि वारुणसगम भजनी स्थौ वरुणस्य रेतसदन्यस्य वरुणस्यतमासीद। वरुणस्नान्ते पयस्नानम समर्पयामि नमः। पयस्नानान्ते दधिस्नानम दधिस्नानान्ते घृतस्नानम घृतस्नानान्ते मधुस्नानम मधुस्नानान्ते शर्करास्नानम। ओम पयोदधि घृतम चैव मधु च शर्करायुधम पंचामृत देवेश स्नानार्थम प्रतिदीयताम पंचम स्नानम। ओम पंच नदियाः सरस्वती मापयन्ति ससुरौ दशः सरस्वती तु पंचदासो देशे भवसरितः तत्रादु शुद्ध जलेन स्नानम समर्पयामि नमः। ओम शुद्धवाला सदा शुद्धवालो मणिवा लष्टरासविनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणुस्तै रुद्राय पशुपतये कर्णां जावाम अवलिप्ता शिरोद्रम नवा शुद्धदक्षानं समर्पयामि नमः। कुंकुम विलेप्य ओम सखंडम चंदम दिव्यम केशरादि समृद्धम
विप्राम पुराय दसी खंडन तुभ्यम सुनई कुंकुम सुनप्याम कुंकुमांत अक्षम सुनप्याम ओम अक्षुन्नमी मंदता प्रिया मधुखत अस्तो खत स्वभानवो विप्रान विष्ठयामति अक्षम स्मृयाम तत्रादु पुष्पम स्मृयाम पुष्पमाल्यम स्मृयाम धूपम दीपम च निवेद्यम तांबूलम स्मृयाम तांबूलांतेषां नवग्रह शांत्यर्थे पूर्णतः तुभ्यम संवर्धते। दोनों आसन आप ले लीजिए और मैं मंत्र बोलूंगा प्रत्येक ग्रह के, जिससे कि प्रत्येक ग्रह आपके लिए अनुकूलता ही प्रदान करे और किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं करे। ओम आकृष्णी नरदशा वर्तमानो निमेषयन्नमृतमृतेंच हिरण्याय नसविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्ना सूर्याय नमः। ओम इमं देवासपतकं सुवर्णं मातेक्षिताय महते येष्याय महते जानराज्या येन्द्रशेन्द्रियाय इमामुक्षापुत्रमुक्षेपतमसे विषयिकौ मीराञ्जाशुमुष्मा कं ब्राह्मणा नागुराजा चन्द्रमाय नमः। ओम अग्निमूर्धा दिवा कगपति पृथिव्या वयम्मा अपाक घोरे ताक गुजिनवती भूमाय नमः। ओम उद्भुत स्वाक नहीं प्रतिजा दैत्विष्टा पूर्ति सगुण सजयिता महिंच अस्मिन सदस्थे अद्वितर्षु विश्वे देवा यजमान बुधा बुधा नमस्थापयामि नमः। ओम बृहस्पति अतिदर्जो अरेहाद्युमति भात कृतमजनेको यदि दयच्छवसरित प्रजातरस्मासुदुविनन्देश ब्रह्मा बृहस्पताय नमस्थापयामि नमः। ओम मन्नाथ परिषद वर्षम ब्रह्मणाव्य पिवित्रम प्रया सोमम प्रजापति ऋतेन सिंधुपान गुणशुक्र मंदस नृसिंद नमृतु शुक्राजमा शुक्रम स्थापयामी महा। ओम सन्नो देवी रविष्ठयापो भवन्तु पीतये संजो रविशबंधु न सुनिश्चराय नमः आवायामी स्थापयामी महा। ओम कांडात कांडात प्ररोहंती परुखा परुखस्वरी एवा नो दूर्वे प्रथम सहस्रेण स्निचरावे नो रावम स्थापयामी महा। ओम के तुम गणमंदे पेशो मर्जा अपेशसे सामुखद्विजाता केतुन मा केतु स्थापयामी वहा। ओम अग्नेजंद्रकणु सौरश्यामूरसी पूर्वासी गायत्रेन्वा छंदसा मंथा मित्रेष्टु भेन्वा छंदसा मंथा जागृतेन्वा छंदसा मंथा मंथाय नमः। तत्रा सूर्यचंद्रा भौम बुध बृहस्पति राहु केतु शुक्राशिता समस्त ग्रहाणां यंत्रेणां स्थापित मम ग्रहे अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमु शर्माहम मम ग्रह सुख शांति सौभाग्य धनधान्य स प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवृद्धिता पूर्णत्व प्राप्त नितुभ्यम संपादे तत्रादु गुरुमेव मंत्र विद्यातः। मैं आपको मंत्र दे रहा हूं। ओम श्री क्लीम सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिश्चर राहु केतु मुंथा सहिताय क्लीं नमः। तत्रादु पूर्णादुष्मानं साशीर्वादं पठेत मंत्रार्था सफला सत्तु पूर्णां सन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां विजयस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वणः ब्रह्मवाक्यस्थान गमनन्तीं तशत्रुवान् अक्षतान् प्रश्नेतून्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वृद्धे लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं शीर्वचुष्मायुषमारोग्यं मा विधत्मानं महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुं श्रीस्थिते लक्ष्मी सपन्ना माधपूर्वा तुष्मानं सा पूर्वादं कल्याणं तान्तभ्यं सम्पर्तते। ये मंत्र काली अखीक माला से मंत्र जाप इसका किया जाता है। आपके पास आयुध होने चाहिए। जगदम्बा के पास में 10 आयुध हैं, भगवान कृष्ण के पास भी 4 आयुध है, विष्णु के पास में प्रत्येक देवता के पास आयुध है, आयु मन शस्त्र। आपके पास भी आयुध होने चाहिए, माला या यंत्र, जिससे कि भविष्य में जब भी उपयोग हो सके उसका उपयोग किया जा सके। और इस मंत्र की विशेषता यह है कि आपको एक माला मंत्र जाप केवल 11 दिन करना है, उसके बाद रोज सुबह उठ करके 5 बार उच्चारण करके अपने काम पर निकल जाएं। और आप स्वयं देखेंगे कि दिन भर समस्त बाधाओं, जो आपको आशंका है, चिंता है, समस्या है, उस समस्याओं से मुक्त होते हुए और सफलता पा लेंगे। यदि इतना भी नहीं कर सके तो केवल इस मंत्र को 5 बार उच्चारण करके उस यंत्र को आप जेब में लेकर के चले जाएं, किसी के पास में वो जेब में रहे और आप सफलता प्राप्त करेंगे। जेब में नहीं रख सके तो आंखों पर लगा के सुबह और उसके सामने लोबान धूप लगा दें और काले घी माला से मंत्र जाप करें। कठिन से कठिन और असंभव से असंभव कार्य आपका संपन्न होगा ही। ग्रह बाधा इस जीवन में आपको व्याप्त नहीं हो सकती। ये इतना ही महत्वपूर्ण मंत्र है, इतना ही उच्च कोटि का प्रयोग है। और ऐसा ही आपके घर में यह यंत्र है, क्योंकि यंत्र अपने आप में स्वयं सिद्ध है।
इसलिए यंत्र है वहां सब कुछ है, इस प्रकार की स्थिति है। इसलिए जब भी कहीं मिलने जाए कैसा भी कोई कार्य हो, उस कार्य के समापन के लिए अनुकूलता के लिए यंत्र को जेब में लेके जाए तब भी काम हो सकता है। घर में रखें और एक माला करें तब तो फिर आप दुनिया में विजयी विजयी हैं। और यदि ऐसा नहीं हो सके तो 5 बार उच्चारण कर दें। मैं एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हूँ कि समस्त ग्रह आपके अनुकूल बने और आप जीवन में ग्रह बाधाओं से मुक्त होते हुए पूरे परिवार कुटुंब के साथ में अकाल मृत्यु भय रहित निर्द्व जीवन विचरण कर सकें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ और कल्याण कामना करता हूँ।